हाय एवरीवन वेलकम टू ब्रेन्स हिंदी मीडियम जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रख्या इन दिस बी टॉकिंग अबाउट क्लास टेंथ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट व एग्रीमेंट अब एग्रीमेंट वर्ड सुन के लगता है कि भाई कोई डील साइन हुई है एग्रीमेंट साइन हुआ है तो बिल्कुल ही सही बात है पता है क्या सब्जेक्ट और वर्ब ने एक छोटू सा एग्रीमेंट साइन किया है वो एग्रीमेंट क्या है इस पूरे सेशन में हम उसे डिस्कस करेंगे इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस ऑफ स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश तो बेटा मेरे वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। एक और चीज बता दूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही सब्जेक्ट वर्ब कॉन भी कहा जाता है सो डोंट गेट कंफ्यूज ठीक है भाई सो so, वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलती है एट से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स येस yes, ये जो आप क्वालिटी कंटेंट देखते हो ना सिर्फ आप सबके लिए हमने डाल दिया इनको नोट्स के फॉर्म में जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकते हैं सो so, नोट्स को कैसे लेना है बहुत सिंपल प्रोसेस है नीचे डिस्क्रिप्शन है ना वहीं पर लिंक दी गई होगी तो वहीं से आप नोट्स ले सकते हैं कम लेट्स स्टार्ट दी सेशन आ जाओ भाई शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पढ़े बोल रहे ना मैम इंटरेस्ट से सुन रहे पता नहीं क्या साइन किया है दोनों ने देखना पड़ेगा सब्जेक्ट और वर्ब ने सो so, मैंने शुरुआत में एक बात कही अगर किसी ने सुनी हो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हारा एक बोलते हैं ना बेस बनाता है सही सेंटेंस बोलने का वैसे मैक्सिमम ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं दे स्टैंड एज अ बेस फॉर अ करेक्ट सेंटेंस यानी मैं क्यों कहती हूँ इंग्लिश बोलने में गलत आ रही है कहीं ना कहीं अगर आपकी इंग्लिश गलत है विच मीन्स यू आर लैगिंग बिहाइंड इन ग्रामर बट डोंट वरी मेरे सारे सेशन ग्रामर पे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है सो so आप इन सभी टॉपिक्स को स्टडी करके और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सो नाउ वैन वी टॉक अबाउट दिस एग्रीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड वर्क क्या होते हैं बिल्कुल सही बात है आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक्स तो सब्जेक्ट ये वो सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश बायोलॉजी मैथ्स ना यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में हम सब्जेक्ट किसे या कोई काम करना। जैसे पलक मैम इज टीचिंग बेटा मैं सब्जेक्ट कौन हूं हो? हो गई क्यों क्योंकि मैं एक्शन कर रही हूँ अरे ये वाला एक्शन नहीं एक्शन मूवीज मत याद किया करो एक्शन यानी कोई भी काम करना तो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ माई एक्शन कौन कर रहा है एक्शन पलक मैम सो इन दिस सेंटेंस पलक मैम विल बी योर सब्जेक्ट तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेज प्रोनाउन कोई भी एक्शन करे फॉर इंस्टेंस ही प्लेज बास्केटबॉल तो यहां पे ही एक प्रोनाउन है वही प्रोनाउन आपका बन जाता है सब्जेक्ट क्यों क्योंकि वही एक्शन कर रहा है वही जो है क्या खेल रहा है बास्केटबॉल Clear है subject बिल्कुल है 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 बिल्कुल तो हम सबको पता ही है. Verb क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो क्रिया कहते हैं कोई भी काम करना क्या बोलो मैम एक है है बिल्कुल है. सोना काम है चलना काम है उठना बैठना पढ़ाई करना जितने भी एक्शन होते हैं क्रिया होती है उन्हें हम क्या कहते हैं वर्ब ठीक है तो अब सब्जेक्ट और वर्ब ने एक एग्रीमेंट किया है कि भाई सुन पता है क्या बात होती सुन ली थी तो सब्जेक्ट और वर्ब कहते हैं भाई सुन अपन एक एग्रीमेंट लेते हैं अब तुम्हें पता है ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं कभी सुना होगा है ना बड़े वो लोगों की बातें होती हैं खैर ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कुछ एग्रीमेंट करते हैं बातें मानते हैं रूल्स बनाते हैं कि भाई तू ये ये बात बात मानेगा तो मैं भी ये बात मानूंगा ऐसा होता है ना दोस्तों के साथ होता है कि नहीं तू जा रहा है पार्टी में तो मैं भी जाऊंगा तू अगर लेट आएगा तो मैं भी लेट आऊंगा तू बोल स्कूल नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगी तो ये वाली कहानी जो होती है एग्रीमेंट होती है दोस्तों के बीच में है ना तो वैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब ने कुछ ऐसे रूल्स हैं यहाँ पे बेसिक रूल्स हैं जिन्हें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगी क्या बात समझ आई यू डोंट हैव टू डू रक्टाफिकेशन तुमको इंग्लिश की थ्योरी मतलब ग्रामर की जो थ्योरी है उसे रटो मत कभी याद नहीं हो पाएगी आई एम टेलिंग यू इतने टाइम से रटते आए हो हुई क्या याद तो आपको जो है उसको समझना है विद एग्जाम्पल्स हम रूल्स पढ़ेंगे रूल्स के साथ मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल्स विच विल मेक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर इज इट क्लियर और नॉट ठीक है भाई तो अब सब्जेक्ट की एक बार बात कर लेते हैं सब्जेक्ट इज अ अउन और प्रोनाउन दैट टेल्स अस व्हाट सेंटेंस टॉक्स अबाउट एंड वर्ब रिप्रेजेंट्स एक्शन इन रिप्रेजेंट सेंटेंस। दिस इज बेसिक डेफिनेशन। देन व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अन्टेंस शुड अग्री और मैच अदरवाइज द सेंटेंस विल नॉट साउंड राइट देखो अगर हम अपने बचपन से कोई लैंग्वेज बोलते आ रहे फॉर इंस्टेंस हम हिंदी बोलते हैं तो अगर किसी ने गलत हिंदी बोली मान लो कोई जो है फॉरेनर हिंदी बोल रहा है या फिर कोई साउथ इंडिया से आते हैं मैक्सिमम किसी को हिंदी अगर नहीं आती है तो वो हिंदी बोले बोलेंगे तो कैसा है कि मैं जो है ये लड़की है कोई और वो कहेगी कि मैं ये खाएगा है ना मान लो कोई लड़की है और उसके सामने नूडल्स पड़ी वो कहेगा हाँ मैं ये खाएगा तो तुम हसोगे, हसोगे कि नहीं कि बोलोगे ये ये साउंड सही थोड़ी ना बोल रही है अजीब सा ही साउंड आ रहा है मैं मैं ये ये खाएगा सही क्या होगा मैं ये खाऊंगी तो यू नो द डिफरेंस है कि नहीं हिंदी में समझते हो कि नहीं तो वैसा ही इंग्लिश में है यार इंग्लिश में भी यही बात है सब्जेक्ट और वर्ब अगर करेक्टली मैच नहीं हो सो द सेंटेंस विल नॉट साउंड राइट और इन्हीं पे बेस्ड इनका एग्रीमेंट हुआ है कुछ रूल्स पे जो आज हमें पढ़ने हैं मार्क माई वर्ड्स इफ़ यू गॉट दीज रूल्स तुम इंग्लिश गलत कर ही नहीं सकते अगर तुम्हें समझ आ गया कि सब्जेक्ट वर्ब के रूल्स क्या है सो मैक्सिम टाइम मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम प्लीज पैराग्राफ राइटिंग बता दो मैम प्लीज लेटर राइटिंग में लिखना क्या है ये बता दो सो लेट मी टेल यू करेक्ट इंग्लिश तुमको अगर ग्रामर आ गई ना तो तुम्हें पता है कि कौन सा तुम्हें लगाना है वर्ब कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें यूज कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा वर्ग लगाना है ठीक है अगर ये आ गया ना तो सभी सेंटेंस करेक्ट बनेंगे बात बिल्कुल क्लियर है सो so चीज उसे जरूर नोट करना है? चलो अब शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रैक्ट है, चल रहा है जहा है दोनों ने ना सब्जेक्ट ने साइन किया है कि येस मैं सब्जेक्ट हूँ ये साइन है सब्जेक्ट का होगा ऐसा करके और वर्ब ने साइन किया ठीक है हर जगह साइन करके रखते हैं दोनों ने साइन किया है किस पे रूल नंबर वन वर्ब एंड सब्जेक्ट मस्ट अग्री इन नंबर सबसे पहला रूल सो वेन यूर राइटिंग रूल नंबर वन वहां पर क्या लिखोगे नंबर अपने नोट बनाना सीखो ठीक है number. Number मतलब क्या? Singular या plural. हमेशा से देखते आए हो हिंदी में अगर बात करें सिंगलर प्लूरल वॉट विल इट स्टैंड फॉर एक वचन बहुवचन राइट तो सब्जेक्ट और वर्ब सिंगलर प्लूरल में अग्री करनी चाहिए तो बोलो मैम इसका मतलब क्या

प्लेज फुटबॉल वैसे ही दे प्ले इज फुटबॉल नहीं होगा दे प्ले फुटबॉल दिस इज द प्लेस मैक्सिमम मोस्ट ऑफ यू लाइक पीपल मेक द मिस्टेक तो यहां अपने को गलती नहीं कर रही हैं रूल नंबर वन बिल्कुल ही क्लियर है किसके बारे में नंबर के बारे में चलो फटाफट से आते हैं रूल नंबर टू पे द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट सिंगल और प्लूरल विल नॉट चेंज ड्यू टू वर्ड्स या फ्रेजेज इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड दर्ब इसका मतलब क्या है देखो रूल सिर्फ पढ़ के समझ नहीं आता है अब ये रूल कहना क्या चाहता है देखो जैसे एक एग्जाम्पल लो डैश ऑफ द ग्लासेस डैश डी यानी इनमें से कोई एक ग्लास खाली है मैं बताती हूं अगर मान लो बहुत सारे यहाँ पे ग्लासेस हैं ठीक है थीके? अब तुम ग्लास के शेप पे मत जाना कैसा ग्लास बना रही है मैम टेस्ट ट्यूब बना दिया ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री का चलो ठीक है तो अब यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस हैं अब मुझे बताना है कि इनमें से कोई एक ग्लास एम्प्टी है तो बेटा ग्लासेस क्या हो गया ग्लासेस क्या हो गया प्लूरल हो गया मैंने कहा वन ऑफ दी ग्लासेस क्योंकि यहां पे हमारा सब्जेक्ट एक की बात कर रहा है बात मेरी ध्यान से सुनना मानती हूं बहुत सारे ग्लासेस हैं लेकिन उन बहुत सारे ग्लासेस में मैं तो एक ही की बात कर रही हूं वन ऑफ दी ग्लासेस तो उसके लिए मैं आर एम्प्टी नहीं कहूंगी मैं कहूंगी इज एम्प्टी क्लासेज इन एम टी ऑल दो क्लासेज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो उस एक की बात कर रही हूं जो एम टी है सो हेयर सिंस दब्जेक्ट इज वन दर्प शुड बी इज बात समझ आई नेक्स्ट देखो द बुके ऑफ रेड रोजेज स्मेल सो स्वीट सिंस आप बोलो मैम यहाँ तो रोजेज है यहां तो रेड रोजेज हैं मतलब बहुत सारे रोजेस की बात है फिर भी आपने जो है स्मेल्स क्यों लिखा है तो मेरी एक बात समझो यहां पे बुके तो कितना है भाई बुके तो तुम्हारा एक ही है सिंस द बुके इज दब्जेक्ट एंड नॉट रोजेस दर्ब शुड बी स्मेल एंड नॉट स्मेल क्योंकि यहाँ पे हम बुके एक बुके की बात कर रहे हैं तो हम उसे लिखेंगे स्मेल रेड रोजेस अरे रोजेस किसके अंदर है बुके बुके क्या होता है गुलदस्ता कहता है ना भाई तो गुलदस्ता तो एक होता है चाहे उसमें दस रोजेज हो या पचास रोजेज हो तुम बात तो गुलदस्ते की करोगे तुम कहोगे कि मैं उसको पचास रोज दे के आया या क्या कहोगे मैं एक बुके दे के आया सो so, ओवर so, so है सब्जेक्ट इज द बुके सो बुके ऑफ रेड रोजेज स्मेल सो स्वीट ठीक है इज सब्जेक्ट एंड नॉट रोजेज द वर्ब शुड बी स्मेल एंड नॉट स्मेल चलो फटाफट से आते हैं आगे रूल नंबर थ्री पे सब्जेक्ट दैट आर ज्वाइन बाय एंड इन अन्टेंस यूज अ प्लूरल वर्ब यानी अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट यूज हो रहे हो और उनके बीच में एंड लगा हो जैसे पहला एग्जाम्पल देखो राधा एंड मीरा दो सब्जेक्ट है एक राधा है एक मीरा है ये दोनों किससे जुड़े हैं एंड से तो दो सब्जेक्ट आ गए तो इसमें आप क्या यूज करोगे प्लूरल वर्ब यूज करोगे राधा एंड मीरा आर कमिंग होम इस कमिंग होम नहीं कहेंगे आर कमिंग होम सब्जेक्टर वर्ब अब फर्क समझना कोई भी दो subject अगर and से जुड़े हो तो क्या करोगे सिंपली लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है अलग से साइड से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो क्या यूज करोगे बेटा प्लूरल वर्ब जैसे आर यूज किया है ना ठीक है अब अगर कोई भी सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तब क्या यूज करोगे सिंगुलर वर्ब जैसे नाइदर अक्षय नॉर रोहित इज कमिंग होम इस लाइन का मतलब क्या होता है ना तो अक्षय अगर हिंदी में अपन कहें ना तो अक्षय और ना ही रोहित घर आ रहे हैं तो नाइदर नॉर में हम जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं फर्क समझ रहे हो राधा और मीरा दो सब्जेक्ट की बात कर रही हूं करें एंड से जुड़ा है है ना और यानी ये वाला और है इंग्लिश वाला नहीं हिंदी वाला और जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ठीक है And, तो राधा और मीरा है तो आर यूज कर रहे हैं लेकिन यहां पे क्या है अक्षय रोहित ना तो अक्षय ना तो रोहित तो हम क्या यूज करेंगे सिंगलर इज एंड दूसरा दूसरा क्या है आइदर और माई डैड और माई मॉम इज अराइविंग टूडे यानी यहां पे अगर हम और भी यूज करेंगे तुम आइदर यूज कर रहे हो या फिर और यूज कर रहे हो तब क्या यूज करोगे सिंगुलर वर्ब या सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है डैड या तो मेरे पापा और माई मॉम इस टाइप से भी सेंटेंस को लिख सकते हैं आई दाई डैड या तो मेरे पापा और माई मॉम या तो मेरी मम्मा आज आ रहे हैं तो इज अराइविंग टूडे क्लियर हुई बात कंसेप्ट क्लियर है रूल नंबर थ्री चलो मूविंग ऑन टू रूल नंबर फोर देखो एकदम से रूल याद नहीं होंगे डोंट वरी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे धीरे धीरे यूजर ओवर इट पहले बस ये है कि रूल तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए चलो रूल नंबर पे आओ द वर्ब इन अ सेंटेंस कंटेनिंग और आइदर और नाइदर नो अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट अब इसमें क्या डिफरेंस है बताती हूँ जब भी हम आइदर और नाइदर इधर नो यूज करते हैं तो उसके सबसे कभी कभार होता है क्या क्योंकि आइदर और यूज कर रहे हो तो नाउन काफ़ी सारे आते हैं दो तीन लोगों की बात कर रहे हैं तो उन वर्ड से सबसे क्लोजेस्ट यानी सबसे पास में जुड़ा हुआ जो नाउन है उसी पे हम अग्री करेंगे कैसे देखो एग्जाम्पल नाइदर नॉर नोर बैग मैच द ड्रेस यहां पे अब एक बात देखो नाइदर शूज नॉर बैग मैच द ड्रेस अगर हम देखें तो बैग जो है सबसे क्लोजेस्ट है किसके वर्ब के वर्ब क्या है बेटा क्रिया अरे किसका एग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब का वर्ब को भूला है क्या वर्ब तो याद रखो वर्ब है मैचेस किसी चीज को मैच करना तो इस वर्ब से सबसे क्लोज कौन है सबसे क्लोज वाला तुम्हारा नाउन या सब्जेक्ट कौन है नाउन समझो चलो सब्जेक्ट अगर नहीं समझ आता है नाउन तो पता है ना संज्ञा कौन है भाई तो बोलो मैम ये बैग जुड़ा तो है इससे तो बैग को देखना है तुम्हें बैग से तुम्हें रिलेट करना है कि तुम मैच लिखोगे लिखोगे। या मैचेस लिखो अच्छा बोलो मैम क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? तो मान लो तुमको नहीं है ठीक है ऐसे करके तुमको दे दिया है फिल इन है समझते हो ना फिलअप ऐसा डैश करके दिख दिया और लास्ट में लिखा है कि तुम मैच लिखो या मैचेस इधर पुट मैच और मैचेस आता है ना फिलअप करके इस टाइप के क्वेश्चन आता है वो भी मैं क्लियर करूंगी ठीक है देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया ना इधर दी शूज नॉर बैग डैश ड्रेस मैच या matches. तो कैसे लगाओगे तब एप्लीकेशन करना है नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट ठीक है ये तुमने ज्ञान तो ले लिया ठीक है पलक मैम ने बता दिया अच्छा क्वेश्चन आएंगे तब सॉल्व नहीं हो रहे ऐसा मत करना है ना तो कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बिल्कुल बता रही हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आया डैश लगा दिया तब तुम्हें देखना है कि यहाँ पे वर्ब आएगा यहीं पे आ रहा है ना वर्ब तो वर्ब से सबसे पास वाला नाउन कौन सा है बैग है द ड्रेस तो आगे है यार उससे पहले वाला कौन है बैग है तो बैग कैसा हो गया तुम्हारा सिंगुलर तो तुम भी कैसे लगाओगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पिछले वाले रूल्स पे चले जाओ मैचेस ठीक है क्लियर है मैचेस दी ड्रेस चलो नेक्स्ट आओ एग्जांपल नाइदर दी नाइदर दी बैग नॉर दी शूज डैश दी ड्रेस मैच दी ड्रेस अब समझे क्यों क्योंकि मैच के पास कौन जुड़ा है शूज शूज है प्लूरल तभी हमने यहां पे यूज किया है हमारा प्लूरल वर्ब क्लियर है बात समझ आई चलो तो रूल नंबर फोर आई होप इट्स वेरी क्लियर कमिंग ऑन टू रूल नंबर पांचवे रूल पे आते हैं वेन सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ड्स सच एज एज वेल एज अलोंग बिसाइड्स नॉट एटसेटरा इग्नोर देम एंड यूज अ सिंगुलर वर्ब इफ दी सब्जेक्ट इज सिंगुलर क्या मतलब हुआ इग्नोर दे मैम किसे इग्नोर करना है भाई तो देखो अब तुम्हें एग्जाम्पल दूंगी उससे समझना ये वाला वाला देखो पहला मैट मैट का नाम है है ठीक चटाई नहीं है ये एम ए डबल टी मैट है है ठीक अंग्रेजों के नाम होते हैं तो मैट एज वेल एज हिज डॉग मैट और उसका जो कुत्ता है इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली अब तुम्हें एक बात ऑब्जर्व करो यहाँ पे मैं मैट की बात कर रही हूँ ये तुम्हारा एक नाउन हो गया और यहां मैं कुत्ते की भी बात कर रही हूँ दूसरा नाउन है बोलो मैम दो दो सब्जेक्ट हैं दो दो सब्जेक्ट हैं हमारे पास लेकिन हमने क्या यूज किया है सिंगुलर वर्ब ये पिछला वाला केस नहीं है अगर यहाँ पे लिखा होता ध्यान से सुनना अगर यहाँ लिखा होता मैट एंड हिज डॉग मैट एंड हिज डॉग हिग डॉग नहीं हिज डॉग है ठीक है मैट एंड हिज डॉग एंड अगर आता एंड अगर आता तो तुम आर यूज कर सकते थे मैट एंड हिज डॉग आर एक्सपेक्टेड शॉर्टली लेकिन यहाँ एंड नहीं है यहां क्या लिखा है एज वेल एज सो एज वेल एज के साथ बोला है इग्नोर करो सब्जेक्ट को इग्नोर करो और तुम जो है सिंगुलर वर्ब यूज करो क्लियर है बात चलो नेक्स्ट क्या है Example, प्रतीक अलोंग विद हिज ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल प्रतीक रहा प्रतीक भाई उसके भाई के साथ वो कहा जा रहा है स्कूल तो यहां हमने अगेन क्या यूज किया है सिंगुलर वर्ब क्योंकि हमारे दोनों नाउन कैसे हैं सिंगुलर प्रतीक भी एक इंसान है भाई भी एक ही है ठीक है यहां मैट भी एक ही था डॉग भी एक ही था बिल्कुल क्लियर है रूल नंबर फाइव ठीक है चलो कमिंग टू रूल नंबर सिक्स छोटे छोटे रूल हैं बहुत बड़े नहीं हैं और ये नहीं कह रही कि तुम मुंह जबानी रूल्स को याद करो ये भी नहीं कह रही मैं कि ये रूल ये आता है नहीं एटलीस्ट यू शुड नो कि दहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा अगर तुम्हें फिलअप में एकदम से आ जाए आइर और करके तो तुम्हें क्लिक होना चाहिए लेक्चर क्लिक होना चाहिए कि यस मैम ने ये बताया था ठीक है चलो रूल नंबर सिक्स

फॉलो करने का मतलब जैसा तुम वैसा मैं 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 तू तू प्लूरल प्लूरल भी भी तो there is a big puddle. एक ही पड़ल की बात है कुछ और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना खुद से भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन उसके बाद वेरी आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा चलो आ जाओ रूल नंबर सेवन पे इन इंक्लूड

साठ हो, 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 किलोमीटर हो गया सालों की बात हो गई दस साल बीस साल पचास साल सौ साल यहाँ पे तुम क्या बेटा हमेशा यूज करोगे सिंगलर वोअप ये बात नोट डाउन कर लो कहीं पे ठीक है डिस्पाइट ऑफ वट एवरू इज यून यूज सिंगलर वोअप जैसे एग्जाम्पल देखो फाइव हंड्रेड रुपीज इज प्राइस टू पे पांच सौ रुपए एक बहुत ही बड़ी कीमत है पे करने के लिए इज यूज किया पांच हंड्रेड बोलो मैम ये फाइव हंड्रेड रुपीज है फिर भी सिंगलर वर्क यूज ठीक है दूसरे में देखो सिक्स इज मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट सिक्सटी टू ईयर मिनिमम रेज है रिटायरमेंट की 62 है, फिर भी क्या यूज किया है सिंगल टेन किलोमीटर टू वॉक दस किलोमीटर बहुत दूर है वॉक करने के लिए इज So, ये बात बिल्कुल नोट डाउन कर लो बिकॉज मैक्सिमम गलतियां होती हैं इसमें तो अब मत करना अब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन बिल्कुल याद रहेगा कि मैम ने बताया है पैसे की बात हो सम्स ऑफ ऑफ मनी हो periods, period हो हो पीरियड्स पीरियड टाइम हमें क्या यूज एज अ सिंगल यूनिट जब बोला जाए तब आपको यूज करना है सिंगुलर वर्ब क्लियर है इज दिस क्लियर ओके मूविंग ऑन टू रूल नंबर एट आ जाओ रूल नंबर एट पे इन केस ऑफ वर्ड्स सच एज अ लॉट ऑफ ऑल सम स पे अटेंशन टू द नाउन आफ्टर ऑफ क्या बोला है इन सभी टाइप के वर्ड में जैसे ऑफ इज सिंगलर तो सिंगलर वर्ब यूज करो प्लूरल है तो प्लुरल जैसे ध्यान से देखना ऑल ऑफ द केक अब यहां पर कौन सा नाउन है द मत बोल देना द आर्टिकल है उसके आगे आ जाओ केक ये कैसा है नाउन ये है सिंगुलर एक ही केक की बात है तो तुम वर्ब कैसा यूज करोगे यहां पे सिंगुलर देखो इज यूज किया है हमने बात समझ आई दूसरा सेम एग्जाम्पल को हमने लिख दिया प्लूरल में अब देखो ऑल ऑफ 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 के आगे कहाँ है नाउन केक्स केक्स क्या हो गया बेटा प्लूरल तो प्लूरल में हमने क्या यूज किया वर्ब आर ठीक है ये कौन से केस है जब ऑल ऑफ टाइप से हम बात करें ठीक है ऑल ऑफ दी केक is gone all of the cakes are gone some of the cake is gone some of the cakes are gone so i hope coffee basic cases hai a note kar liya, rule number 8 chalo coming to rule number 9 in the case of collective nouns such as group population family in a sentence the verb can be singular or plural depending on the use in the sentence yeah coffee important rule have ki could be confusing at some times but then hamesha english may you need to keep presence of mind क्या होता है एक अपन रूल तो फॉलो करते हैं लेकिन द रूल माइट चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस तो तुम्हें थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ आएगा अब जैसे कभी भी हम किसी ग्रुप की बात करते हैं किसी संगठन की जैसे हम बात करें अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स है ना माय फैमिली द पॉपुलेशन है ना तो इस टाइप के ट्रूप की बात कर रहे हैं हम है ना या अ फ्लॉक ऑफ शीप्स तो इस टाइप से हमें देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस को हम सिंगुलर या प्लुरल कब कहें कि उसका सेंटेंस में यूज किस तरह से है जैसे एग्जाम्पल देखो मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज हेयर और आर हेयर ऐसे यूज कर सकते हो कब डिपेंड करता है सेंटेंस पे इज हेयर भी यूज कर सकते हो आर हेयर भी यूज कर सकते हो जैसे अगर तुमने लिखा मोस्ट ऑफ माई फैमिली तो इज हेयर मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आर हेयर ठीक है मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आर हेयर हाफ ऑफ पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल और हाफ ऑफ दॉपुलेशन वर अगेंस्ट द बिल, बोथ आर करेक्ट। बात समझ चलो, कमिंग टू रूल नंबर टेन। सच मैथमेटिक्स, सिविक्स न्यूज वाइल प्लूरल इन फॉर्म आर सिंगलर इन मीनिंग एंड यू सिंगलर वर्ब्स मतलब क्या देखो कुछ नाउस ऐसे होते हैं जिनके विचारों में ना बाय डिफॉल्ट नाम के आगे ऐसा आता है अब हमें यूजुअली क्या पता है हमें तो यार यही पता है कि अगर एक कोई भी नाउन तुम ले लो जैसे थिंग थिंग ले लो है ना? थिंग क्या है है ना क्या सिंगुलर इसी में मैं अगर एस लगा दूंगी थिंग्स तो ये प्लूरल है लेकिन अब भाई वर्ड देखो मैथामेटिक्स इस बेचारे के तो आखिरी में वैसे ही एस है मैथामेटिक कुछ नहीं होता है मैथामेटिक्स ही एक नाम ही है सिक्स सिविक थोड़ी ना कहोगे सिविक्स प्लूरल नहीं है ये इसका नाम है न्यूज न्यूज न्यू new नहीं होता है वो न्यू नया अलग है न्यूज ये समाचार है तो इनके नेम में बेचारों के बाय डिफॉल्ट क्या आता है एंड में एस आता है तो ये जो है ऑल दो साउंड ये पूरल करते हैं लेकिन इनका मीनिंग सिंगुलर है तो ये क्या यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब जैसे मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल हम ये नहीं कहेंगे मैथमेटिक्स एस देख के आर लगा दू मैं यहाँ पे ये गलत है ठीक है द न्यूज इज वेरी सैडनिंग बहुत ही दुखद समाचार है तो द न्यूज आर नहीं इज क्योंकि न्यूज खुद में ही एक प्लूरल टाइप का वर्ड साउंड करता है लेकिन उसका मीनिंग क्या है सिंगुलर ठीक है ये बेसिक क्लियर है इस टाइप पे इस पे मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है जहां पे नॉर्मली एस से एंड अं, होता है बाय डिफॉल्ट नेम लेकिन वो प्लूरल नहीं है चलो कमिंग टू रूल नंबर इलेवन इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ विश अ रिक्वेस्ट और अ अंट्ररी टू द फैक्ट द वर्ड इज यूज्ड इनस्टेड ऑफ वाज यानी अगर आप किसी सेंटेंस में कोई इच्छा जता रहे हो है ना कोई विश कर रहे हो आई विश I was, I wish I was in uh, Goa. ठीक है I wish क्या मैं सोच रही थी कि मैं Goa में होती है ना या we wish, we were at some other place. तो यानी wish करो request करो कोई बात contrary to the fact करो contrary यानी मतलब क्या कि कोई बात है तुमको उससे उल्टी बात करनी है है ना कॉन्ट्रा contrary बात करनी है opposite बात करनी है तब तुम क्या use करोगे वर यूज करोगे आई विश माई सिस्टर भी एक है मैं भी एक हूँ, लेकिन हमने क्या यूज किया है आई विश आई वर्ड इन गोवा आदित्य रिक्वेस्ट दैट शी रेस क्लास. आदित्य ने क्या रिक्वेस्ट की कि वो जो है उसका ग्लास रेस करे ठीक है चलो नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन जिन्हें हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन रखे हैं जो मुझे मदर कार look like में जो लेडी बैठी हुई है वो तुम्हारी माँ जैसी दिखती है तो so यहाँ पे आंसर क्या आएगा लुक्स आएगा द लेडी इन लुक्स लाइक योर मदर नंबर टू मोस्ट ऑफ दिल्क डॉन इज या फिर आर काफी ऑब्वियसली बात है क्या बताया भाई फ्लावर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम किस की बात कर रहे हैं एक की इन सब में से एक वन ऑफ द्लावर्स तो क्या यूज करोगे सिंगलर वन ऑफ दिल्टेड क्लियर है चलो कमिंग टू क्वेश्चन फोर आईदर राम और श्याम डैश कमिंग टूडे इज या आर तो आइर या और होता है तो हम क्या यूज करते हैं सिंगुलर आइदर राम और श्याम इज कम टूडे हेयर डैश द न्यूज पेपर इज द न्यूज पेपर और आर द न्यूज पेपर सो हेयर इज द न्यूज पेपर ये रहा अखबार नंबर सिक्स द ग्रुप ऑफ डेंसर्स डैश हेयर इज या आर तो मैं आपको बता दूं ग्रुप ऑफ डांसर्स हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं एक संगठन की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे इज 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 द ग्रुप ऑफ डांसर्स नंबर सिविक्स डैश फेवरेट सब्जेक्ट या फिर आर तो ये है क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क यस yes, भाई इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है सिंपल सा क्वेश्चन है होमवर्क आपको कहां सबमिट करना है भाई थोड़ा सा आपकी लर्निंग बस टेस्ट करनी है मुझे कि वीडियो ध्यान से देख रहे थे कि नहीं तो कमेंट करके ऐसा सेक्शन होगा नीचे कॉमेंट सेक्शन

एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है तो वीडियो की जस्ट बात कोशिश करो कि यू सॉल्व मोर एंड मोर फॉर यू नो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द समझ आया हो तो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन डोंट डोंगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो मैग्नेट ब्रेन पे आपको मिलते हैं भाई दोनों ही मीडियम में चैनल्स हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री है एंड यही क्वालिटी कंटेंट मैं बता चुकी हूँ आपको मिलता है हिंदी मीडियम चैनल पे एट टू ट्वेल्थ क्लास तक के सारे ही नोट्स सभी सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिलेंगे जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ले सकते हैं सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन गुड बाय